गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि जो गैस्ट्राइटिस है वो वास्तव में प्रॉब्लम खाने की थैली की है। आप जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस दो तरह की होती है, वन इज नोन एज एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो सडनली आती है, दूसरी है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो धीरे धीरे आती है और लंबे समय चलती है। आप जानते हैं कि क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस है वो ज्यादा ट्रबल सम है। आज हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, हमारी जो खाने की थैली है वो दो चीजें बनाती है, नंबर वन इज द एसिड, नंबर टू इज द पेप्सिन। जो एसिड है उसका काम है कि खाने की थीलों चीजों को जो हम खाते हैं उसको तोड़े और उसको डाइजेशन में मदद करे, और जो पेप्सिन है वो पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को तोड़कर उन्हें डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जो खाने की थैली में होने वाला एसिड है वो बहुत स्ट्रांग होता है एंड ये खाने की थैली की सतह को डैमेज कर सकता है, लेकिन जो नेचर है उसने हमारी खाने की थैली की सतह में एक लेयर बनाई हुई है जिसे म्यूकस कहते हैं। जो म्यूकस की जो लेयर है वास्तव में एसिड से हमारी खाने की थैली की जो सतह है उसको डैमेज करने से बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करने से बचाती है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी होती है तो गैस्ट्राइटिस होती है, एंड गैस्ट्राइटिस वास्तव में हमारी जो खाने की थैली है उसकी जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन के चलते है। नाउ अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारी खाने की जो थैली की सतह है वो वास्तव में कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर होने के अलावा बीच बीच में कहीं कहीं ब्रोकन हो जाएगी या टूट जाएगी या उसमें छोटे छोटे छाले हो जाएंगे। एक्चुअली जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं जो हमारी खाने की थैली की सतह को बचाती हैं या जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं वो वास्तव में डैमेज हो जाती हैं। अगर ये डैमेज होंगी तो जो एसिड है वो उस एरिया को डैमेज करने लगेगा एंड इट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। नाउ जहां तक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का सवाल है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वास्तव में ग्रेजुअल डैमेज के चलते है। ये डैमेज धीरे धीरे होता है। जब धीरे धीरे डैमेज होगा तो हमारी खाने की जो थैली की सतह है उसमें स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, छाले हो जाएंगे एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ेंगे। अगर ये डैमेज परसिस्ट करता है लंबे समय तो ये मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया हो जाएगा। जो मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया है इसे वास्तव में प्री कैंसरस कंडीशन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कैंसर डेवलप होता है, और अगर इन प्री कैंसरस कंडीशंस को आपने ठीक से ट्रीट नहीं किया तो आप जानते हैं कि इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। नाउ जहां तक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का सवाल है, आप इसे ट्रीट करें, ये प्रॉपरली ट्रीट होने वाली कंडीशन है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़े या एक ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कराने की जरूरत पड़े। नाउ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वो कितनी तरह की होती है। बेसिकली ये तीन तरह की होती है। नंबर वन इज द ऑटो इम्यून क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जिसे टाइप ए गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, इसे समझिए। ये बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसके गड़बड़ी के चलते होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी खाने की थैली के जो सेल्स या कोशिकाएं हैं उनको अटैक करता है और डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया और कैंसर, ये तीनों को रिस्क बना डाल देता है। इसका मतलब ये है कि टाइप ए जो गैस्ट्राइटिस है वो ऑटो इम्यून क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। नंबर दो इज द टाइप बी गैस्ट्राइटिस, ये वास्तव में हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन के चलते आती है। समाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस। ये आप जानते हैं कि हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है आपको गैस्ट्राइटिस कर सकता है, आपको अल्सर्स कर सकता है, और आपने ट्रीट नहीं किया तो आपको कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने की संभावना होती है। नंबर तीन पर जो गैस्ट्राइटिस आती है टाइप सी गैस्ट्राइटिस है, वो वास्तव में खाने की थैली में इरिटेंट के चलते है। ये आपको जो ना पेन किलर के चलते होगी, अल्कोहल के चलते होगी, टोबैको के चलते होगी, इन बहुत सारे कोरोसिव्स या बाइल के चलते होती है। तो कोई भी चीज खाने की थैली में इरिटेशन करेगी तो आपको टाइप सी गैस्ट्राइटिस करेगी। अगर टाइप सी गैस्ट्राइटिस है तो आपको इरोजन्स हो जाएंगे, आपको ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ेगा, आपको अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन इस पूरी की पूरी जो ना प्रोसेस है इसमें कैंसर का इंसिडेंस ना के बराबर है। कैंसर का इंसिडेंस सबसे ज्यादा जो है वो टाइप ए एंड टाइप बी गैस्ट्राइटिस में है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देयर आर टू मोर गैस्ट्राइटिस, ये वास्तव में बड़ी अनकॉमन है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। नंबर फोर्थ इज द जॉइंट हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी के चलते होती है, जिसको अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो दैट इज द अपीयरेंस व्हिच इज सीन, जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज द इयोसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस, जो वास्तव में एलर्जी से रिलेटेड है। जिन लोगों को अस्थमा होता है, एक्जिमा होता है, बार बार अर्टिकेरिया होता है, अगर उन्हें गैस्ट्राइटिस डेवलप होती है तो मोस्ट कॉमनली इट इज द इयोसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस जो देखी जाती है। नाउ अगर अनफॉर्चुनेटली आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हुई तो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स आर वेरी कॉमन,
आपको खाने की थैली में ऊपर की तरफ दर्द होगा, दैट इज एपिगेस्टिक पेन। आपको बदहजमी या इंडाइजेशन की फीलिंग होगी या डिस्पेप्सिया। नंबर तीन, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी कि आप इतना भी खाना खाया थोड़ा सा, लेकिन पेट आपको बहुत भरा भरा तना तना महसूस होगा। नंबर चार, आपको कभी जिम चला सकता है, उल्टी हो सकती है। एंड द लास्ट, आपको डकारें आएंगी, खाली पेट पर भी आएंगी और खाने के बाद भी आएंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस परसिस्ट करती है तो ये बात सही है कि आपकी भूख धीरे धीरे कम होने लगेगी, आप खाने से डरने लगेंगे, और चूंकि भूख आपकी कम होती चली जाएगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वेट लॉस होगा। तो दीज आर दी सिम्टम्स जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो, मोटे तौर पर समझिए कि और कैसे क्या कारण हैं, कि काजेज हैं जो कि आपको गैस्ट्राइटिस करते हैं। नंबर वन, जैसा मैंने अभी भी कहा कि टाइप सी गैस्ट्राइटिस इज रिलेटेड टू पेन किलर्स, तो पेन किलर आर द काजेस। तो अगर आप रेगुलर पेन किलर लेते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप ज्वाइंट पेन के लिए लें, बैक पेन के लिए लें, तो पेन किलर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में पुश कर सकते हैं। नंबर टू, अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, आप गुटखा करते हैं, गुलमंजन खाते हैं, किसी भी रूप में आप टोबैको यूज करते हैं, तो ये निकोटीन है जो आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कराएगा। अगर आपके खाने की थैली में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है तो आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होने का डर बढ़ेगा। एंड दूसरी, अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस आपको है, जैसे आपको लंबी कोई किडनी की बीमारी है, आपको सांस की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको सिरोसिस लिवर है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेस है, तो साइंस ऐसा मानती है कि इसमें एक क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस है उसका इंसिडेंस बढ़ता है। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जैसे इम्यूनो डिफिशियंसी स्टेट है, जैसे एचआईवी पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, उनमें समहाउ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का इंसिडेंस हमेशा हायर होगा। किसी भी कारण से अगर खाने की थैली में पलट के आपको बाइल या पित्त आता है, जो कि नॉर्मली छोटी आंत में होता है, अगर ये बाइल बार बार पलट के वापस आता है तो भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाए। तो बाइल रिफ्लक्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होती है। बट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको लगातार कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस रहती है, तो वास्तव में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें तो रिस्क फैक्टर्स आपके लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं, अगर आप हाई साल्ट डाइट लेते हैं, आप टोबैको अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, एंड ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी टाइप ए है जो एंजाइटी प्रोन है, तो इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस आपकी बॉडी में ज्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन इज के वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस आपको है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जो खाने की थैली है उसमें इरिटेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी खाने की थैली में इरिटेशन अगर एक हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये जो सिम्टम्स है रेगुलरली आ रहे हैं, आपको रोज आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बट देर आर सर्टेन अलार्म सिम्टम्स विच आई वॉन्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कभी खाने में कभी आपको वॉमिटिंग में ब्लड आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपको अगर लैट्रिन काले रंग की होती है और खून की कमी हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिकॉज दीज आर दी सिम्टम्स विच इंडिकेट दिस थिंग कि आपकी खाने की थैली में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं जो आपको ट्रबल में दे रहे हैं, और उसलिए आपको बहुत वॉच करने की जरूरत है। नाउ अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम्स लेकर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपके ऊपर कैरी आउट किए जाते हैं। सबसे पहले हम आपका स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। जो स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं वो दो चीजों के लिए कराते हैं। नंबर वन, उसमें हम देखते हैं कि कहीं छिपा हुआ खून तो नहीं है, ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव तो नहीं है। नंबर दो, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपका जो स्टूल है उसमें जो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है उसका एंटीजन पॉजिटिव तो नहीं है। तो इन दो चीजों के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। हम आपका ब्लड एग्जामिनेशन भी कराते हैं फॉर मेनी थिंग्स। हम आपका सीबीसी करके ये देखते हैं कि आपको एनीमिया तो नहीं है। हम एच पायलोरी की एंटीबॉडी देखते हैं, कहीं एच पायलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं है। हम आपके लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं आपको कोई कोमॉर्बिड इलनेस तो नहीं है। बट द गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज बेसिकली द एंडोस्कोपी विच यू आर वॉचिंग। जो एंडोस्कोपी है उससे सबसे पहले हम आपके खाने की थैली का एक थॉरो इवैल्यूएशन करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस एरिया है तो वहां से बायोप्सी लेते हैं टू रूल आउट कि कोई डिस्प्लेजिया या कहीं कोई जो ना अर्ली कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। हम
आपका एक रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हैं इस चीज को देखने के लिए कि आपकी जो खाने की थैली है उसमें कहीं हेलिकोबैक्टर का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं टू रूल आउट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को मिमिक कर रही है, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन्स हैं, गॉलब्लैडर डिजीजेस हैं, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, कहीं उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो बिहेव कर रही है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जैसा। अगर जरूरत पड़े तो हम हायर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं लाइक सीटी स्कैन टू लुक इनटू कि कहीं कोई अल्टरनेटिव पैथोलॉजी तो नहीं है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अलावा या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के साथ। नाउ अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कंफर्म होती है तो हाउ डू यू ट्रीट, हम कैसे आपको ट्रीट करते हैं। देखिए ट्रीटमेंट एंटायरली विल डिपेंडेंट अपॉन कि आपको किस तरह की गैस्ट्राइटिस है, टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी। अगर टाइप ए गैस्ट्राइटिस तो आप जानते हैं कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होगी, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट हमें आपको रिप्लेस करने की जरूरत है, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे आयरन हो, जो टाइप ए के चलते डेफिशिएंट हो गए हैं उनको आपको बेसिकली रिप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर टाइप बी है इसका मतलब है कि ये हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है, तो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एंटीबायोटिक एंड एसिड सप्रेशन दवाइयों का एक प्रॉपर कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। टाइप सी बेसिकली इज द गैस्ट्राइटिस बिकॉज ऑफ द इरिटेंट्स, अगर ये पेन किलर के चलते हो तो पेन किलर को जाने की जरूरत है, अगर ये अल्कोहल के चलते हो तो अल्कोहल को बंद होने की जरूरत है, अगर ये टोबैको एंड ऑल दोज इरिटेंट्स के चलते है तो पॉसिबली इन्हें अवॉइड करने की जरूरत है, इससे आपकी प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। नाउ जहां तक मेडिकेशन का सवाल है, मेडिकेशन बेसिकली 5 ग्रुप्स में आते हैं। अगर हम देखें, नंबर 1 इज द एंटासिड्स, जो हमारी खाने की थैली को में जो एसिड होता है उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करके चलते हैं सो दैट हीलिंग ऑनगोइंग हो जाए। नंबर 2 आर द कोटिंग एजेंट्स लाइक सुक्रलफेट, जो हमारी खाने की थैली को मलम जैसा लगाते हैं सो दैट जो एसिड है उसे डैमेज ना करने पाए। नंबर 3 पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स, जो वीक एसिड सप्रेसेंट्स माने जाते हैं, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, जो एसिड को रिड्यूस तो करते हैं बट दे आर वीक, बट दे आर यूज्ड। नंबर 4 आर द प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, जो ओमेप्रजाल, रेबेप्रजाल, पेंटेप्रजाल बहुत सारे नामों से आते हैं। इनका पर्पज यह है कि एसिड को इफेक्टिवली सप्रेस कर दिया जाए सो दैट जो खाने की थैली में जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हील हो जाए। एंड लास्ट, अगर आपको हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए वास्तव में आपको एंटीबायोटिक एंड एसिड सप्रेसेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो हेलिकोबैक्टर को ट्रीट करने की जरूरत है। नाउ इट इज द डाइट, इट इज द प्रिकॉशंस विच आर पॉसिबली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कंसर्न। हाई साल्ट डाइट, हाई फैट डाइट एंड आपकी हैबिट्स में टोबैको एंड अल्कोहल, दीज आर दी वंस जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गैस्ट्राइटिस में, उनको आपको देखने की जरूरत है। एनी डाइट विच इज वेरी हाई इन रेड मीट इज ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। जब भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है तो इन चीजों को तो अलग करने की जरूरत है, इन किन चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑल प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो इट इज द लीन प्रोटीन विच इज इंपॉर्टेंट, देन प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं या प्लांट बेस्ड जो डाइट है इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, एंड द होल ग्रेन्स जो हम यूज करते हैं दे ऑलवेज हेल्प यू आउट। सो अगर आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हील होने में मदद होती है, एंड जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है इसका जो इंसिडेंस है वो हमेशा कम हो जाता है। एज फार एज द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज कंसर्न, बहुत बार ऐसा मार्क किया गया है कि अगर आप अपनी डाइट में गार्लिक यूज करते हैं, अगर जिंजर यूज करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं, प्रोबायोटिक फूड यूज करते हैं तो ये वास्तव में आपको हेल्प करती हैं एज फार एज हीलिंग इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज कंसर्न। नाउ लेकिन अगर हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को ओवरऑल देखें तो इसमें जो रिकवरी है वो इस पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज द काज, व्हाट इज द टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। आप जानते हैं कि अगर आप इसे प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट होगी, और गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट होगी तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ब्लीडिंग हो जाए, खून की उल्टी हो जाए या काली लेटन होने लगे। और आप जानते हैं कि अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इस तरह के गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो गैस्ट्रिक कैंसर्स में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं। तो जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है वो इतनी इजी कंडीशन नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है। अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है तो उसे प्रॉपर उसके सिम्टम्स को अंडरस्टैंड आपको करने की जरूरत है, उसकी प्रॉपर पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, डॉक्टर को दिखा के उसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है और उसे ट्रीट कराने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर का सवाल है,
साइंस ऐसा मानती है कि इट इज द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विच इज द प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप होते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म को ही डिमोलिश करने की जरूरत है सो दैट यू डू नॉट एंड अप इन दीज कॉम्प्लिकेशंस. अगर आप समझते हैं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को समझने में ये जानकारी आपको मदद करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.